कितना आगे बढ़ा जमाना, फिर भी किस्सा वही पुराना, अब है नया संसार बनाना। पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना है, पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना। अब तो शोषण से लड़ना है, नया समाज हमें गढ़ना है, प्रगति की राह पर चलना है, सपनों को साकार बनाना है। पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना। नमस्कार, हम फिर हाजिर हैं ज्ञानदीप के साथ। कहते हैं शहर वो जगह है जहाँ चकाचौंध रोशनी, ऊंची इमारतें, बड़े उद्योग और तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ने वाले लोग होते हैं। जी हाँ, ये सही है, पर शहरों के बीच बस्तियों में, तंग गलियों के बीच पुराने इलाकों में जाइए और वहाँ के हालात गाँव से भी बदतर हैं। छोटे छोटे टूटे फूटे घरों में गरीबी और परेशानियों से जूझते लोगों में साक्षरता पहुँचाना बहुत ही मुश्किल काम है। शहर कितना भी विकास के पथ पर अग्रसर हो, उसमें कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो गांव से भी ज्यादा पिछड़े रह जाते हैं, और यहाँ तंग गलियों और गरीबी के बीच इनके व्यक्तिगत विकास के मौके भी कम रहते हैं। ऐसे इलाकों में आता है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। नहीं, अनपढ़ है। पिछड़ेपन के कई कारण रहे। मुस्लिम समाज की मान्यताएं जहाँ महिलाओं का घर की चार दीवारी से बाहर जाना पसंद नहीं। हाँ, पर्दा मतलब पर्दा, पर्दे की जगह पर्दा भी रहना चाहिए, जैसे मतलब एकदम जितनी भी आगे नहीं बढ़ जाए। हाँ। गरीबी, अशिक्षा और अवसरों की कमी दूसरे कारण रहे। ऐसे में जब साक्षरता आंदोलन के तहत सभी को साक्षर बनाने का काम चला तो मुश्किलें आने ही थी, पर अनूठे प्रयासों के कारण ये अभियान सफल हुआ। योगेश चंद्र मिश्रा ने ऐसे 18 मोहल्ले गोद लिए साक्षरता फैलाने के उद्देश्य से। गोद लेने का मतलब हुआ निरक्षरता का सर्वेक्षण से लेकर साक्षर होने पर मूल्यांकन का सारा जिम्मा इन्हीं का हुआ। इनके साक्षरता मित्र जगह जगह जाकर निरक्षरों को पढ़ाते हैं। मलका परवीन का कहना है, यहाँ सभी मुसलमान लोग हैं लेकिन पढ़ने नहीं भेजा करते स्कूल में लड़कियों को, घर के औरतों को पढ़ी हुई नहीं थी, तो हम घर घर जाके कहे कि इन्हें हमारे पास पढ़ने भेजो, हम अपनी जिम्मेदारी पे ले जाएंगे और इन लोगों को पढ़ाएंगे। फिर हम लेकर के आए, इन लोगों को पढ़ाए, हम घर छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे, बहुत मेहनत करनी पड़ी इन लोगों के पीछे जब कहीं ये लोग पढ़ने आए, और सब अच्छा सहयोग दिए और सब अच्छे से पढ़े। इसका भी फायदा है, ये सब अब कम से कम अपना नाम तो लिख सक रहे हैं, ये खुशी होती है पढ़ा के कि अब कुछ तो हमने करे और कुछ इन लोगों ने भी सहयोग दिया जब हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और सब हमारा सहयोग दिया, सब अच्छे में पढ़ने में साथ दिया और सब पढ़े। देखा जाए तो यही चुनौती भी तो रही। चुनौतियाँ ये फेस करी कि मुस्लिम समाज में, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है ये, और अपने पास में जो विद्यार्थी हैं खाली मुस्लिम नहीं है, हिंदू भी हैं, लेकिन चूंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मतलब मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे हमारे पास में वो सब मुस्लिम थे, तो वो क्या है कि पढ़ाने लिखाने पर ज़्यादा अधिक मतलब जो है वो ये नहीं करते, दीनी तालीम पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो मदरसे वगैरह में जो वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत, तो एक आध साल दो साल जो बच्चे पढ़ लेते हैं उसके बाद में फिर वो पढ़ाई जरूरी नहीं समझते, यानी अरबी पढ़ लिया उन्होंने, पता कुरान शरीफ पढ़ना आ गया तो मतलब शिक्षा हो गई, ये मतलब रहता है उनका, तो वो उस वजह से भी कुछ लोग क्या है आर्थिक वजह से कि भाई क्लास में भर्ती किया उसका पुस्तक काफ़ी पेंसिल इसकी समस्या आई तो उन्होंने वहाँ पर जो है ये कर दिया, तो कुछ आर्थिक वजह से भी कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन सामाजिक मुस्लिम समाज के अंदर मैंने देखा कि सामाजिक कारण बहुत ज़्यादा है। चुनौतियों की विशेषता देखते ही ये बस्ती बस्ती को गोद लेने की धारणा बनाई गई। जब हम लोगों ने जहाँ जहाँ देखा कि भाई जैसे अब वो स्लम पेज जो थे, अधिकतर जो मैंने काम किया वो स्लम पेज के अंदर में काम किया है, तो उसमें माँ बाप जो है वो सवेरे से मजदूरी पे निकल जाते हैं, अब वो बच्चों की पढ़ाई जो है कुछ आर्थिक कारण तो रहता रहता है, साथ में क्या माँ बाप केयरलेस होते हैं, केयरलेस रहते हैं उनकी मजबूरी है, क्योंकि यदि वो कमाने नहीं जाएंगे तो ये नहीं कर सकते, तो वो ऐसा स्थितियों को देख करके अपने को ऐसा लगा कि साक्षरता की दिशा में प्रयास करना चाहिए। पर जब पढ़ने लिखने का माहौल बन गया तो लोगों में उत्साह जगा और सभी वर्गों के सहयोग से ये कार्यक्रम बढ़ा। पर खुशी की बात कहीं है प्रेरणा का उदाहरण। आज भी कई इलाके ऐसे हैं जो कई मायनों में पिछड़े तो हैं, पर फिर भी वहाँ साक्षरता की हवा ऐसी चली कि बदलाव ने लोगों का और खासकर महिलाओं का कायाकल्प कर दिया। राजस्थान में कहाँ तो औरतें गर्दन तक का घूंघट निकालती थी,
पुरुषों के सामने बोलना, इसके बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी। और कहा आज राजस्थान के जोधपुर में सुर सागर की महिलाओं में आया बदलाव देखिए। झंडो तिरंगो मारो प्यारो लागे, झंडो तिरंगो मारो प्यारो लागे, या तो भारत री ये शान रे पड़े वन जावो, या तो भारत री ये शान रे पड़े वन जावो। हालांकि गणतंत्र दिवस निकल चुका है, पर इस गणतंत्र दिवस पर झंडा लहराते वक्त जो गीत इन नवसाक्षर महिलाओं ने गाया था, वो गीत इन्हें इतना भा गया है कि ये अक्सर यहाँ जन चेतना केंद्र में इसे गाती हैं। सही भी है, भारत की शान यही है कि सभी पढ़ने जाएं। जिस देश में इतनी निरक्षरता हो, ये बात इस देश के लिए शान की कैसे हो सकती है। ये भाव राजस्थान के सुर सागर इलाके के लोगों की समझ में आ गया, और जब 1995 में आखर देवरा प्रोग्राम शुरू हुआ था, तब तकरीबन सभी निरक्षर खासकर महिलाएं इससे जुड़ी। हर आखर देवरा में 10 निरक्षरों को लिया गया, और यहाँ सुर सागर में 40 ऐसे केंद्र के जरिए 400 लोगों को साक्षर बनाया गया। अब इन सभी केंद्रों के क्षेत्र यानी कि हर वार्ड पर एक जन चेतना केंद्र चलाया जा रहा है। ये सतत शिक्षा की ओर बढ़ने का एक सार्थक माध्यम है, और इसीलिए यहाँ निरक्षर शिक्षा से जुड़े हर भाव को रूप देने की कोशिश की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि जन चेतना केंद्र चला रही ज्योति सोलंकी ने इस केंद्र को इतना खुशनुमा वातावरण दिया है कि हर एक यहाँ आना चाहता है। यहाँ के ज्यादातर लोग मजदूरी विशेषकर पत्थर खदानों में काम कर रहे हैं। कमोवेश महिलाएं भी पत्थर खदानों में ही काम कर रही हैं। अपने घर को चलाने में आर्थिक सहयोग भी देती है, पर जन चेतना केंद्र पर समय निकालकर आ ही जाती है। यहाँ अब भी जो निरक्षर बचे हैं, उन्हें पहले साक्षर बनाने पर जोर दिया जा रहा है, और साक्षर बनने पर सभी को उसके फायदों ने मोह लिया है। नन्ही सोलंकी कहती है पहले कुछ नहीं समझ आता था, पहले मुझे कुछ भी नहीं आता, वैसे अनार का खड़ा कुछ नहीं आता, हमें सब कुछ पढ़ लेती हूँ, और किताब में कोई ज्यादा मोटा अक्षर हुआ तो मैं अटकू, लेकिन मैं वो पढ़ लेती हूँ, और पढ़ने से मेरे घर में मैं आरती पढ़ लूँ, गीता पढ़ लूँ, रामायण पढ़ लूँ, सुबह रोजरी पचर घर में गीता पढ़ने सीखा, और आदित्यवार सोमवार ने शनिवार ने घर में वो होम भी करना, लेकिन पहले मुझे कुछ नहीं आता, लास्ट माता जाता तो अंगूठो करता सकरला में जाता घास लेना जाता अंगूठो करता, नहीं हमें उठ मुर में नाम लिखनी सीख गया, और सीखने पढ़ने के अलावा डर निकल गया। पढ़ने से हिम्मत आ गई मुझे, पहले मुझे डरती कैसे कोई आ गया बाल में मार, तो मैं कैसे कोई घर से बाहर कोई ब्याह की कुकुबित्री ना आता तो उम्मीद की समझ में नहीं आती, तो पढ़ने से हमें से हिम्मत आ गई। देखा जाए तो निरंतर शिक्षा के उद्देश्य भी तो यही है। ज्योति सोलंकी ने जब ज्ञान फैलाने का बीड़ा उठाया, तब उसके समक्ष कई चुनौतियां थी। साक्षरता की पहले स्थिति बहुत दयनीय थी, यहाँ बहुत से लोग अनपढ़ थे जिनको हस्ताक्षर भी नहीं करना था, और ना उनको वोट देने का पता था कि वोट किसको देना चाहिए, क्या अधिकार मिलना चाहिए, और महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होता था क्योंकि वो अनपढ़ थी। जब इसने महसूस किया कि काम छोड़कर महिलाओं के लिए आना मुश्किल है, तो इस साक्षरता कार्यक्रम को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा। औरतें यहाँ खानिया में जाती है, मजदूरी पे जाती है, तो इनको मतलब पहले हमें घर घर जाके इनको ये समझाया कि पढ़ाई भी पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई भी कोई अच्छी बात है, इसलिए आप सीखो, पढ़ने से आपके अंदर जागृति आएगी, आपको अधिकारों का पता चलेगा, ऐसे करते करते उनमें भावना जागृत की। और उसके साथ ही ऐसे महिलाएं अपना काम काज छोड़ के आने में थोड़ी दिक्कत महसूस करती है कि हमको रोजी रोटी चाहिए, तो मैंने सिलाई का साथ साथ अपने घर से 9-10 मशीनें देकर इनको सिलाई का प्रशिक्षण के द्वारा इनको पढ़ाना शुरू किया। यहाँ पर सिलाई प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, जो बहुत रंग लाई। सिलाई ने इन्हें रोजगार का एक सशक्त अवसर तो दिया ही, साथ ही इनमें भरा एक नया आत्मविश्वास। उसका फायदा यह है कि हर महिलाओं को रोजी रोटी चाहिए, तो ये सिलाई के बहाने से भाई आंटी जी हमको बिना फीस
सिले सिखा देंगे, पढ़ाई भी सिखा देंगे, तो इससे हम घर पे मशीन लेके हम अपना रोजी रोटी का काम कर लेंगे। जैसे खान में दिन भर धूप में काम करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, जिसमें पढ़ने के साथ साथ सिले भी सीख लेंगे, हमारे में ज्ञान की वृद्धि भी होगी और हमारे अंदर चेतना भी आएगी, और इन्होंने थोड़ा बहुत अपना अधिकार भी समझा। अब वोट देने की बात आती है तो भी ये अब साक्षर होने से ये कहती है हम अपने वोट अपनी इच्छा से देंगे, जो काम करने वाला होगा, जो हमारे हमारी सुनवाई करेगा, दुखी लोगों को साथ देगा, उनको ही हम वोट देंगे। तो ये सब साक्षरता के द्वारा इनमें चेतना ही है। दुर्गा शर्मा कहती है, मेरे को पढ़ना आता है, अभी घर पे गीता का पाठ कर लेते हैं, बच्चों को भी पढ़ा लेते हैं। वाकई में महिलाओं में बदलाव इतना है कि यहाँ लड़कियों के स्कूल की प्रधान अध्यापिका गजरा चौधरी कहती है, साक्षरता की वजह से ये बदलाव आया कि यहाँ की महिलाएं जो वो पढ़ लिख कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई। इनको मजदूरी जो है ना वो पूरी नहीं देते थे खान के अंदर, जब इन्हें पता चला, अंकों का ज्ञान हुआ, तो इन्होंने वास्तव में अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखा। मेरे पास आई एक महिला, उसने कहा मैडम मुझे इतने ही रुपए देते हैं, 20 रुपए ही देते हैं, जबकि 30 रुपए होते हैं। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? ये देखो मैंने गिनती सीखी, इस गिनती से मुझे पता लगा कि मेरे पास इतने ही रुपए हैं। इस तरह से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई, फिर उनको स्वास्थ्य की जानकारी हुई। ये महिलाएं यहाँ हॉस्पिटल में अपने बच्चों को ले जाने लगी। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ डॉक्टर से कांटेक्ट किया, वो हर संडे इन महिलाओं को यहाँ फ्री देखते हैं। तो फिजिशियन को बुलाया, बच्चों के डॉक्टर को बुलाया, फिर लेडी डॉक्टर आई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब आप लिख के भेजेंगी तो इनको हम सप्ताह में एक बार जो भी आएंगी आपके साक्षरता केंद्र से उसको हम फ्री इलाज करेंगे उसका। ये उपलब्धि अगर यहाँ पुराने समय से चल रहे रूढ़िवादी तौर तरीकों से तुलना कर देखें तो बहुत बड़ी है। मानसिकता बहुत ही घटिया किस्म की है, इतने रूढ़िवादी है ना ये, कि मैंने ये देखा है कि लड़की है तो मैं कह रही हूँ आपको कि महिलाएं पहुँच जाती है कि अबॉर्शन करवाना, तो ये चीज़ भी हमने बंद करवाई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियाँ भी आज आपकी ज़्यादा सेवा कर सकती हैं। फिर मैंने उदाहरण दिया कि देखो हम तीन बहनें ही हैं, तीनों ही आज सर्विस में पढ़ी लिखी हैं, क्या करते हैं लड़के, आप देखो लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। तब वास्तव में इनको लगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है। सही मायने में उपलब्धि का उदाहरण तो यही है कि जन चेतना केंद्र में हर मुद्दे को लेकर चेतना आ रही है। बाल विवाह, घूंघट प्रथा तथा ज्यादा बच्चे, इनसे जुड़ी दिक्कतें जो समाज को पिछड़ा रखती है, ये बात इन्हें समझ में आ गई है। साथ ही आई है जागृति, वोट किसे देना चाहिए। वोट को क्या अपन समाज हुक करे नहीं सा, समस्या वे मिटावे नहीं सा, जिन वोट देवा नहीं तो पहले दे दे दार जिन मैं पढ़ना आनो सो कैसा क्या ध्यान है, अपन कोई काम करे अच्छो काम करे उन देवा वोट सा, पढ़ना वही तो जागृति हुई सा। और अगर चुने हुए प्रतिनिधि ने विकास का काम नहीं किया तो नहीं देते हैं वोट। साक्षरता के कारण आए परिवर्तन का असर हर जगह है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर महेंद्र माथुर कहते हैं, प्रशिक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण में ये रुचि ली इन्होंने और उससे ये रोजगार भी इनको मिला है, और अब ये अपने सीखने के साथ साथ जो है रोजगार का काम यहाँ लेकर आती है और उसके साथ इस केंद्र पर ये काम करती है। तो संपूर्ण और उत्तर साक्षरता के बाद अब व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यक्तिगत निखार पर जोर है, और इसका असर स्पष्ट है इन खुशी और आत्मविश्वास से भरे नव साक्षरों के चेहरे से। वैसे सफलता उसके कदम चूमती है जो अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ, अपने मजबूत इरादों के साथ मुश्किलों का सामना करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और सफलता की कोई समय सीमा नहीं होती, इसी तरह पढ़ने लिखने की ख्वाहिश रखने वालों की भी कोई उम्र नहीं होती। असम के निसी बाजार इलाके के बुद्धिराम से मिलिए। जिंदगी के 85 वर्ष बीत गए और जिंदगी के इस पड़ाव पे उन्हें पढ़ने की इच्छा हुई और उन्होंने वो सीख कर दिखाया। साक्षरता के संदर्भ में हमेशा कहा जाता है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। वाकई में पूर्वोत्तर के असम राज्य के इस छोटे से गांव निसी बाजार में बुद्धिराम बांस की चटाइयां बनाने का काम करता है। जिंदगी के 85 साल तक ये एकदम निरक्षर था, न पढ़ने लिखने के लिए किसी ने कहा और न ही इसकी जरूरत पड़ी। जिंदगी के इस पड़ाव पर फिर भी एक ख्वाहिश रह गई, काश मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं ये धार्मिक ग्रंथ पढ़ पाता। अपने धर्म को लेकर भावुक तो सभी होते हैं, खासकर बुजुर्ग लोग, पर बुद्धिराम की भावुकता ने उसे एक नई पहल लेने के लिए प्रेरित किया। वो झिझका नहीं कि लोग क्या कहेंगे, वो बस पढ़ना लिखना चाहता था। कहां से भला, वहीं पास निशी बाजार में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चल रहा था।
और वो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रम में जुट गया। जहाँ चाह वहाँ राह निकल ही आती है, इच्छा शक्ति के साथ मेहनत मिल गई। 6 महीने में बुद्धिराम पढ़ना सीख गया और 1 साल में धार्मिक ग्रंथ पढ़ने लगा। जाहिर है इसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। इसका कहना है कि पहले ये अपने आप को लाचार समझता था, क्योंकि गीता का पाठ पढ़ना हो तो किसी से सुनना पड़ता था। तब एहसास हुआ उम्र हो गई है तो क्या हुआ, और इसने हिम्मत जुटाई पढ़ने के लिए। ऐसा ही नहीं कि बुद्धिराम कामकाज छोड़कर किताबों की दुनिया में ही समा गया। अभी भी बांस की चटाइयां बनाना उसका मुख्य काम है। बुद्धिराम की पत्नी बकुली दास कहती है वो खुश है अपने पति की उपलब्धि से। अब वो उसे धार्मिक दोहे पढ़ाता है और सुनाता भी है। अगर पति की कामयाबी से पत्नी खुश है तो उसका बेटा भी। निरीक्षर देवता शिक्षित करा तो अमर कर्तव्य बोली भाभी है शिक्षित करी लो। हरिंद्रनाथ कहता है प्रौढ़ शिक्षा की कक्षा के अलावा उसने भी अपने पिता को पढ़ाया। पिता में जगे नए आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से वो बहुत खुश है। देख लीजिए 90 साल की उम्र में बुद्धिराम को लग रहा है कि जिंदगी सार्थक हो गई। जिंदगी तेरे रंग अनेक हैं, साक्षरता के भी रंग अनेक हैं। साक्षरता का मकसद सिर्फ पढ़ना लिखना सीखना ही नहीं, लोग हर तरह से समर्थ हों, हर सच्चाई के प्रति जागरूक हों, हर सामाजिक मुद्दे पर चेतना रखें, यही तो है साक्षरता का अर्थ। सिमप्रिया स्वतंत्र सेनानी रह चुका है, उसे अभी भी देश की आजादी के लिए लड़ी गई जंग याद है। बहुत उम्मीदों से लड़ी गई थी ये। अब आजादी के 53 साल बाद कैसा लग रहा है? మేము ఈ నైజాము రాకముందు, ఇది స్వతంత్రం రాకముందు నైజాం అండి మాది, ఇది నైజాం. ఈ నైజాంలో చాలా బాధలు పడ్డాం, కానీ స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మాకు ఈ కష్టాలన్నీ కూడా నెరవేరింది. మాకు స్వతంత్రం తెచ్చుకున్నామని మీ సంతోషంగానే ఉన్నాం. ఇప్పటికే ఎలాంటిది మాకు కష్టాలు ఏమి లేవు, అందరం సౌఖ్యంగా ఉంటున్నాం. మాకు ఈ స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మా బిడ్డలు కానీ ఆడవాళ్ళు కానీ బాగుంది. ఇప్పుడు మాకు మాకు దీని గురించి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఏమి లేవు, కానీ ఒకటి మాకు కావాల్సింది ఏంటంటే మా గ్రామంలో ఈ ఈయన పేరేంటి శివాజీ గారు వచ్చిన తర్వాత, శివాజీ గారు ఇప్పుడు 12 సంవత్సరాలు ఏమైంది మా గ్రామం వచ్చి, ఆయన మమ్మల్ని అందరినీ వృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చాడు. सिमप्रिय आंध्र प्रदेश के दूर दराज के गांव बथिनपुड़ा का निवासी है। आजादी के समय वो अनपढ़ था, पर अब पिछले 1 साल में इसने उम्र के इस दौर में भी हाथ में किताब थाम ली है। मां स्वतंत्र వచ్చిన తర్వాత శివాజీ గారు వచ్చి మా గ్రామాన్ని ఒక రకంగా చేసుకొచ్చాడు. సదులో గాని మరి ఆడవాళ్ళలో పొదుపు చేయడం గాని పొదుపు నేర్పడం గాని. उम्र के इस पड़ाव पर किताबों से रूबरू होने का साहस दिलाया संगमित्र नामक एक स्वयंसेवी संस्था ने। बथिनपुड़ा एक पिछड़ा इलाका है जहां ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति के हैं। इनके यहां वैसे भी विकास की हवा काफी देर तक पहुंची, जाहिर है साक्षरता का संदेश भी उतनी ही देर से पहुंचा। पर गरीब है तो क्या हुआ, पिछड़े है तो क्या हुआ, अनुसूचित जाति से है तो क्या हुआ, सभी गांव वालों को स्वयंसेवी संस्था ने इतना प्रेरित किया कि सभी ने हाथ में किताब उठा ली है। आदमी औरत जवान बूढ़े सभी चेष्टा कर रहे हैं पढ़ना लिखना सीखने की। जागरूकता इतनी तो आ ही गई है कि उन्हें एहसास हो गया है कि जिंदगी में पढ़ने लिखने का क्या महत्व है। निरक्षरता का अंधकार सभी ने देखा है, उसकी काली छाया का असर उनकी जिंदगी के हर पहलू पर रहा है। न उनके पास सरकारी स्कीमों की जानकारी थी, न ही सरकारी दफ्तरों में जाकर उन योजनाओं के बारे में पता करने की हिम्मत, न उनके पास आत्मविश्वास था और न ही उन्हें पता था कि छोटे मोटे काम के अलावा वे कुछ और काम कर सकते हैं। पर अब इन किताबों में उन्हें कुछ नजर आ रहा है, इसीलिए गौर से पढ़ने की कोशिश है। फिर पढ़ाने वाले भी गैर नहीं, गाँव के ही शिक्षित बेरोजगार युवा हैं जिन्होंने जिम्मा उठा लिया है हर गाँव निवासी को साक्षर करने का।
और आज जिला अधिकारियों के अनुसार ये गांव शत प्रतिशत साक्षर गांव हो गया है। इस सफलता के पीछे माइकल जैसे स्वयं सेवी हैं। माइकल का कहना है कि सबसे बड़ा योगदान है कि ये लोग सभी बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। ये एक्सरस लाइन తర్వాత తల్లిదండ్రుల చాలా మార్పు వచ్చింది। పిల్లల్ని సకంగా స్కూల్ కు పంపేయడం, ఇప్పుడు డబ్బులు వృధాగా ఖర్చు పెట్టకుండా తగ్గవటికే ఖర్చు పెట్టుకొని కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడం, తర్వాత పొదుపు చేసుకోవడం, తర్వాత ఆఫీసుల్లో పోయి వాళ్ళే డైరెక్ట్ గా ఆఫీసుల్తో ఎంఆర్ఓతో కానీ ఎండీఓతో కానీ ఇంకెవరితోనన్నా మాట్లాడటానికి వాళ్ళకి చదువుకోవటం వల్ల కొద్దిగా విజ్ఞానం పెరిగింది। गांव में स्कूल के आगे या सरपंच माधव मलेश्वर राव के घर के आगे इसी तरह क्लास लगती है। पुरुष महिलाएं सभी जुट जाते हैं अपने अपने ग्रुप बनाकर। सवाल जवाब चलते रहते हैं और वक्त के घूमते पहिए के साथ हर तरह की जागरूकता आ रही है इनमें। सरपंच माधव मलेश्वर राव कहते हैं, రైతుల ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే మనల్ని దూరం ఉంచి దోషల్లో మంచిలు పోసి తాగమని చెప్పేవాళ్ళు। అటువంటిది ఈరోజు దోషతో మంచిలు పోతే తాగేవాళ్ళు ఎవరు లేరండి। ఏదో ఒకటి గ్లాస్ తోటే చెంబుతోటే తీసుకొచ్చి ఇత్తేనే తాగేవాడు, తాగుతున్నారు ఇప్పుడు। ఇప్పుడు అది మార్పే కదండి। ఇంకా కహనా హే సామాజిక్ బదలావ్ ఆ రహా హే। పహలే తో దళితో కే లియే పానీ కీ గ్లాస్ భీ అలగ్ హువా కర్తీ థీ। గ్లాస్ కీ బాత్ ఛోడియే పానీ హాత్ మే పీనా పడతా థా। వే సమాజ్ కే దూసరే తబ్కో కీ తరహ న థే, पर अब स्थिति बदल रही है। बदलती स्थिति की निशानी है जंगा देवमणि। ये किराना की दुकान चलाती है, अपना हिसाब किताब यानी कि लेखा जोखा सभी करती है। मरियम्मा कहती है पहले अक्षर वाकई में भैंस बराबर था, अब बदलाव है, बच्चों को स्कूल भेज रही है। जंगा सर्वेश्वर राव कहते हैं कि स्वयं सेवी संस्था की कोशिश का ही फल है कि 3 महीने में 19 गांव के ही वॉलंटियर्स ने बिना किसी पैसे के लालच में मेहनत करके सभी को साक्षर बनाया है। ना वाकई में ये साक्षरता की एक गौरवशाली मिसाल। कहते हैं किसी भी खाने के स्वादिष्ट होने का पता चलता है उसके खाने वाले से। इसी तरह साक्षरता अभियान का राज है कि किस तरह साक्षर होने के बाद लोगों को फायदा पहुंचा। ये हमने पूछा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर शहर के नवसाक्षरों से। ये है सुल्तानपुर का वो इलाका जो शहर में हो रहे विकास से बहुत दूर है। शहर चाहे कितना ही विकास कर ले, लेकिन उसका कोई ना कोई हिस्सा ऐसा जरूर रह जाता है जहाँ गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा जैसी तमाम समस्याएं अपना जाल फैलाए हुए होती हैं। ऐसा ही है ये क्षेत्र। यहाँ के रहने वाले अधिकतर लोग मजदूरी या कोई छोटा सा धंधा करके अपना गुजारा करते हैं। अशिक्षा के कारण ये लोग विकास की गति से अपने कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे थे और धीरे धीरे अन्य लोगों की तुलना में पिछड़ते चले जा रहे थे। ऐसे में इनको विकास का रास्ता दिखाया यहाँ चल रहे उत्तर साक्षरता कार्यक्रम ने। और एक बार जब केंद्र पर आकर पढ़ाई करने का चस्का लगा तो अब सभी लोग किताब लेकर मजे से पढ़ने बैठ जाते हैं। साक्षरता की लहर ऐसी चली कि आदमी हो या औरत, सभी एक साथ पढ़ाई में जुट गए और साक्षर हो जाने के बाद इनमें इस कदर जागरूकता आ गई है कि अब यहाँ की महिलाएं और पुरुष एक साथ एक केंद्र में बैठकर पढ़ाई करते हैं। जागृत की बात करें तो पढ़ने से जागृत तो आनी ही थी, लेकिन यहाँ ये जागृत दोनों में समान रूप से आई है। वो चाहे महिलाएं हों या पुरुष, दोनों ही अनपढ़ रहने के कारण होने वाले नुकसानों से पूरी तरह परिचित हो गए हैं। केशवराम यादव कहते हैं कि पढ़ लिख कर लोग अपना विकास कर रहे हैं। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए सफाई पे ध्यान नहीं देते थे। अब लोग पढ़ लिख के कुछ थोड़ा सफाई पे ध्यान दिए हैं और विकास भी कर रहे हैं अपना। जबकि संगीता भारद्वाज कहती हैं कि पढ़ी लिखी महिला घर के कामकाज में पति का हाथ बटा सकती है। पढ़ने से फायदे होते हैं, हम लोग घर परिवार अच्छे ढंग से चला सकते हैं, अपने बच्चों और अपने सास ससुर का घर का मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता होती है पढ़ने लिखने से। ना पढ़ने लिखने से बात बात में बात बियात होती है, लड़ाई झगड़ा होती है और जो है चाल चुगलाई इधर उधर बातें। पढ़ने लिखने से जो औरतें सभ्य होती हैं, अच्छे ढंग से चलती हैं सड़क पर, किसी से बात नहीं करती, ढंग से उठती बैठती हैं और आगे मतलब थोड़ा से अपने पति का हाथ बटाने की सोचती हैं। जिस थोड़ा पैसा कमा रहा है सोचती हैं हम भी कुछ करें, थोड़ा सा हम भी कमाएं, इसलिए दो बच्चों का अच्छी ढंग से पालन पोषण कर सकें। साक्षर होने के बाद से इन लोगों के रहन सहन में भी बहुत बदलाव आ गया है।
अब लोग सफाई पर ध्यान देने लगे हैं और इन लोगों के बीच से अंधविश्वास भी हटा है। घूंघट प्रथा तो अपने आप ही खत्म हो गई क्योंकि साक्षरता केंद्र पर महिला और पुरुष दोनों ही लोग एक साथ बैठकर पढ़ते थे। पहले यहाँ लड़कियों और औरतों को पुरुषों के मुकाबले में हेय दृष्टि से देखते थे और उन्हें शिक्षा से भी वंचित रखा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की मानसिकता में फर्क आ गया है और अब लोग खुद भी पढ़ते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं। ये लोग जब साक्षरता केंद्र पर चुपचाप अपने अपने पाठ पढ़ते हैं तो देखकर ऐसा तो लगता ही है कि साक्षर होने से उनमें अनुशासन की भावना आई है। इस साक्षरता केंद्र पर पुरुष और महिलाएं दोनों ही अब किताब पढ़ना सीख गए हैं। जिस तेजी से पुरुष किताब पढ़ लेते हैं उसी तेजी से यहाँ की महिलाएं भी किताब पढ़ लेती हैं। जिस आत्मविश्वास से ये लोग किताब पढ़ती हैं वही आत्मविश्वास उनके चेहरों पर भी नजर आता है। दृढ़ निश्चय से भरा चेहरा उनके विकसित हो रहे व्यक्तित्व को दर्शाता है जो साक्षर होने के बाद ही निखर कर सामने आया है। साक्षरता से होने वाले फायदों को भी अब ये लोग बखूबी समझ गए हैं। राम अजारे सोनकर कहते हैं कि शिक्षा के बाद नौकरी नहीं तो खुद अपना कारोबार कर सकते हैं। जैसे कोई भी कारोबार हुआ, अगर बिजनेस कर रहा है, अच्छा कारोबार करने का है, बगैर लिखे पढ़े हुए वो कारोबार नहीं कर सकता। और गायत्री कहती हैं कि पढ़ी लिखी औरत अपने परिवार पर बोझ नहीं बनती है। अगर मतलब उनके पास शिक्षा रहेगी तो अपना अच्छा बुरा सोच सकती है, उनके मतलब कोई परेशानी आए तो उसका समाधान खुद कर सकती है, अपने परिवार वालों के ऊपर बोझ नहीं बनेंगी। साक्षरता से होने वाले फायदे हैं ही इतने ज्यादा कि हर कोई इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लेना चाहता है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को साक्षरता केंद्र में बुलाने के लिए कम मेहनत करनी पड़ी हो, लेकिन जब ये लोग एक बार साक्षरता के फैले प्रकाश में आ गए तो कौन वापस अशिक्षा के अंधेरों की तरफ जाना चाहेगा। इस केंद्र को चला रही रेणु श्रीवास्तव महिलाओं में आए बदलावों को बताते हुए कहती हैं, वो शिक्षित हो जाते हैं तो उनको थोड़ा रुचि बढ़ती है कि हम कुछ करें, और कुछ करने में सिलाई कढ़ाई कर लेती हैं, तो अगर वो कहीं सर्विस करने लायक नहीं भी पढ़ पाती हैं तो इतना तो वो जागरूक हो ही जाती हैं कि अपने घर बैठे वो सिलाई कढ़ाई का बिजनेस करके चार पैसा कमा ले रही हैं, अपने परिवार का बोझ कुछ हल्का कर ले रही हैं। कुछ भी हो, आज जिस तरह महिलाएं पुरुषों के साथ एक ही केंद्र पर बैठकर पढ़ाई कर रही हैं, ये आगाज है इस बात का कि अब वो दिन दूर नहीं जब साक्षर महिला पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। ये था हमारा आज का ज्ञानदीप। आपसे फिर मुलाकात होगी ज्ञानदीप की अगली कड़ी में कई राज्यों के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए, नमस्कार। पढ़ना है, पढ़ाना है, सबको साक्षर बनाना है। पढ़ना है, पढ़ाना है, सबको साक्षर।